हेलो फ्रेंड्स, बानी टू प्रयागराज में मैं अतुल शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। कल हमने देखा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज को हमने 3 टाइप से कैटेगराइज किया था, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को और किस नाम से जाना जाता है? मशीन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है और बाइनरी लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। फिर हमने देखा था कि असेंबली लैंग्वेज जो किस फॉर्म में होती थी, निमोनिक्स के फॉर्म में होती थी। और फिर थर्ड टाइप जो था हमारा, वो क्या था? हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखो दोस्तों, यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि असेंबली लैंग्वेज लो लेवल की लैंग्वेज है कि हाई लेवल की लैंग्वेज है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मिडिल लेवल की लैंग्वेज है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको मिडिल लेवल की लैंग्वेज मान लेते हैं। दोस्तों ऐसा हमें नहीं करना है, हमें करना क्या है, इस बात को समझना है कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल की ही लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज, ये लैंग्वेज जो क्या थी, यूजर फ्रेंडली नहीं थी, सारा का सारा काम यहाँ पे 0 और 1 के फॉर्म में होता था। तो इस लैंग्वेज को हर इंसान के लिए हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। ये लैंग्वेज कहने का मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। तो इस लैंग्वेज की जो डिफिकल्टी थी, इसको दूर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को बनाया गया। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था, निमोनिक्स के फॉर्म में काम होता था। निमोनिक्स कहने का मतलब शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए गिवन कोड, किसी भी कोड का दिया गया नाम है। निमोनिक्स में जैसे हमें कोई चीज़ को, 2 नंबर को जोड़ना है तो हम क्या लिखते हैं, x प्लस वाई। लेकिन निमोनिक्स में ऐसा नहीं होता था। निमोनिक्स में होता क्या था, हमें पूरा पूरा एक वर्ड लिखना पड़ता था, एड x कामा वाई, और x और y की हम वैल्यू पुट करते थे। इस तरीके से लंबा लिखना पड़ता, मतलब ज़्यादा लिखना पड़ता था। इस वजह से निमोनिक्स को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया। जानकारी के लिए रखते हैं, असेंबली लेवल लैंग्वेज 1951 में क्या हुई, इंट्रोड्यूस हुई। 1951 में लैंग्वेज हमारी इंट्रोड्यूस हुई। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी, लाइक या सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। सिमिलर क्या थी, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह थी। इसका हर इंसान इस लैंग्वेज को क्या कर सकता था, आसानी से समझ सकता था। और ये लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि पहली प्रोग्रामर हमारी कौन से थे, पहला प्रोग्रामर या फिर लैंग्वेज को पहला किसने बनाया। तो देखो, जो पहला प्रोग्राम फर्स्ट जनरेशन में एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बैबेज जी का था, और जिसको पूरा किया था लेडी एडा अगस्ता ने, लेडी एडा अगस्ता ने यही हमारी पहली प्रोग्रामर थी, जिन्होंने पहली प्रोग्रामिंग की थी, वो भी किस लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में। तो इस फैक्ट को हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, हमने बता चुका हूँ कि निमोनिक्स के फॉर्म में काम होता है। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज जो है हमारी सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज है। इस बात को आगे हमें और अच्छे से समझना है। हाई लेवल लैंग्वेज को 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है, प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसे ओप नाम से भी जाना जाता है। तो देख समझते हैं कि प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है। देखो, इस लैंग्वेज में टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब ऊपर से नीचे कोई भी चीज़, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच को सपोर्ट करती है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सारा का सारा काम हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। डेट से हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि हमें पढ़ना है इसमें से सी लैंग्वेज। तो सी हमारी कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड प्रोसीजरल लैंग्वेज है। यहाँ पे कैसे काम होता है, टॉप टू बॉटम काम होता है। मतलब लैंग्वेज का अप्रोच क्या है, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे। अब देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें से सी लैंग्वेज आई कहाँ से, या फिर इसका नाम सी क्यों पड़ा, या फिर ये सी ही इसका नाम क्यों पड़ा। तो देखो, सी का मतलब कुछ लोग समझते हैं कि यह कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो, सबसे पहले लैंग्वेज हमारी आई, हमने बताया ना 1951 में हमारा आ गया असेंबली। असेंबली लैंग्वेज को दूर करने के लिए, असेंबली लैंग्वेज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज आई जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की जैसा था। तो सबसे पहली अगर कमर्शियल हाई लेवल लैंग्वेज की बात किया जाए, इसको क्या है, फॉरट्रान है। फॉरट्रान का पूरा नाम दोस्तों फार्मूला ट्रांसलेशन। ये थोड़ा सा पूछा जाता है कि फॉरट्रान का पूरा नाम क्या होता है, तो फॉरट्रान का पूरा नाम हमारा होता है फार्मूला ट्रांस
लिसन। इसी क्रम में हमारी लैंग्वेज का विकास होता गया, तो आगे जाके एक लैंग्वेज आई जिसका नाम पड़ा BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज हमारी आई 1967 में। ये लैंग्वेज हमारी कब आई? 1967 में। कुछ लोग इसको मानते हैं कि 1965 में आई। तो यहाँ पे कोई डाउट हमें नहीं करना है, हमें वहाँ पे बस इस बात को समझना है कि 1967 और 1965 दोनों में से ऑप्शन में आपको कोई एक ही दिया रहेगा। और BCPL का नाम क्या है दोस्तों? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इस लैंग्वेज को किसने बनाया था? केन थॉम्सन ने बनाया था, सॉरी मार्टिन रिचर्ड ने बनाया था। मार्टिन रिचर्ड ने इस लैंग्वेज को बनाया था। कहां पे बनाया था दोस्तों? एटी एंड टी बेल लैब। ये कहां पे है? USA में है, अमेरिका में है। तो इस लैब में ये मार्टिन रिचर्ड जी काम करते थे। इन्होंने BCPL को 1965 में क्या किया? बनाया। अब देखो इस लैंग्वेज से ही, इस लैंग्वेज के कुछ अप्रोच का यूज करके, इस लैंग्वेज में कुछ सुधार करके केन थॉम्सन, जो कि यही AT&T बी लैब में ही काम करते थे। AT&T केन थॉम्सन, ध्यान रखना है हमें, केन थॉम्सन जी ने 1968 या फिर कहीं कहीं 1970 मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, दोनों में से केवल देखो यहाँ पे होता क्या है। कुछ लोग मानते हैं लैंग्वेज के बनने के स्टार्टिंग को, और कुछ लोग जब लैंग्वेज बन के तैयार हो जाती है तो उसको मानते हैं। इस वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है। 1968 या फिर 1970, इस लैंग्वेज का क्या नाम दिया इन्होंने? बी लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का क्या नाम दिया इन्होंने? बी लैंग्वेज। और इस बी लैंग्वेज की मदद से उन्होंने बनाया एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम था यूनिक्स। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम था? यूनिक्स नाम था। ये लैंग्वेज कब बनी? 1968 या फिर 1970 में। किसने बनाया? केन थॉम्सन जी ने बनाया। इस लैंग्वेज BCPL से ही ये लैंग्वेज बनी, BCPL से ही ये लैंग्वेज बनी। तो ये इस लैंग्वेज को उन्होंने आइडल माना, केन थॉम्सन जी ने इनको सम्मान दिया और इस लैंग्वेज को आइडल मान के इसका पहला लेटर बी लेके उन्होंने बी लैंग्वेज नाम दिया। फिर इसी इन्हीं के साथ में काम करने वाले डेनिस एम रिची ने 1970 या फिर कुछ लोग मानते हैं 1972 ने सी लैंग्वेज का नाम दिया। क्या एक लैंग्वेज बनाई जिसका क्या नाम दिया इन्होंने? सी लैंग्वेज का नाम दिया। देखो दोस्तों, सी लैंग्वेज का नाम देने का मतलब यह है कि अब सी का कोई मतलब नहीं है, बी के आगे की लैंग्वेज थी तो इन्होंने सी मान लिया। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? सी लैंग्वेज बोलते हैं। सी लैंग्वेज के बाद फिर हाई लेवल लैंग्वेज की बात आई तो वहाँ पे C++ बना 1983 में। सी लैंग्वेज हमारी कब बनी? 1983 में हमारी सी लैंग्वेज बनी। किसने बनाया? बी जॉन ऑस्टर। उसके बाद फिर जावा लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई। ये सारी लैंग्वेजेस क्या थी? मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस थी। मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज में ये लैंग्वेज आती थी। तो जावा कब बनी? 1995 में सन माइक्रो सिस्टम द्वारा ये कंपनी का नाम है, इस कंपनी के द्वारा जावा लैंग्वेज क्या की गई? इंट्रोड्यूस की गई। फिर एक पॉपुलर लैंग्वेज और आई, सी शार्प। ये लैंग्वेज कब बनी? सन 2000 में। और इसको किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं। ये रहा हमारे सी लैंग्वेज का हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस हमसे ये पूछा जाता है सी लैंग्वेज ने किस लैंग्वेज को रिप्लेस किया, तो दोस्तों बी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज किस लैंग्वेज से बनी? बी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को बना कि कौन सा सन में बनी? 1970 या फिर 72। सी लैंग्वेज को किसने बनाया? डेनिस एम रिची ने बनाया। ये लैंग्वेज कहाँ पे बनी? AT&T बेल लैब में बनी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं, अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज में। देखो यहाँ पे दोस्तों हमने एक नाम लिखा है जिसका नाम है कोबोल। ठीक है, तो कोबोल का पूरा नाम कभी कभी पूछता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दोस्तों इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, कॉमन, क्योंकि ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये नाम पूछे जाते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और एक लैंग्वेज है जिसका नाम है बेसिक। बेसिक का भी पूरा नाम
प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, इसका पूरा नाम होता है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अब आगे बात करते हैं कि ये जो लो लैंग्वेज थी हमारी, ये लो लैंग्वेज कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में आ जाती थी, असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में नहीं आती थी, क्योंकि यह मशीन के रीडेबल फॉर्म में नहीं लिखी जाती, मशीन को ध्यान में रखे लैंग्वेज नहीं बनाई गई, ये लैंग्वेज बनाई गई यूजर को ध्यान में रख के, प्रोग्रामर को ध्यान में रख के। तो इस लैंग्वेज को मशीन को समझाने के लिए जरूरत पड़ी किसकी, ट्रांसलेटर की। किसकी जरूरत पड़ी दोस्तों, ट्रांसलेटर की। और उस ट्रांसलेटर का क्या नाम था, असेंबलर। दोस्तों हमारे में एग्जाम में पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन असेंबलर या फिर व्हाट इज असेंबलर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लेकर डिस्क्रिप्टिव तक में इस टॉपिक से आपको कम से कम 5 से 6 नंबर का मैटर मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो, जब असेंबलर की बात करते हैं, असेंबलर क्या क्या काम होता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, जिससे कि मशीन उस बात को समझ सके, क्योंकि ये लैंग्वेज मशीन को समझ में नहीं आती थी। मशीन को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती थी, यह लो लेवल लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती थी, जो कि 011 के फॉर्म में लिखी हुई थी। अब बात करते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज तो इसके भी आगे की लैंग्वेज है, ये यूजर और ज़्यादा यूजर फ्रेंडली थी, तो इस ये ज़्यादा यूजर फ्रेंडली थी तो मशीन को ये भी लैंग्वेज डायरेक्टली समझ में नहीं आएगी। जब मशीन को डायरेक्टली समझ में नहीं आएगी तो यहाँ पे भी हमें ट्रांसलेटर की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो हाई लेवल लैंग्वेज से, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके का ट्रांसलेटर का हम यूज करते हैं। एक का नाम है हमारा कंपाइलर और दूसरा का नाम हमारा क्या है, इंटरप्रेटर। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो दोनों सॉफ्टवेयर है, ये दोनों क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर होने का मतलब ये भी एक प्रोग्राम है जो कि अपना एक पार्टिकुलर या फिर मतलब तयशुदा काम करते हैं। तो देखो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए दो तरीके के प्रोग्राम बनाएंगे, एक का नाम पड़ा कंपाइलर, दूसरे का नाम पड़ा इंटरप्रेटर। तो दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, तो या तो कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर या फिर बोथ। ऑप्शन में हमारे ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कब हमसे जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा प्रायोरिटी इसी क्वेश्चन की होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, एक माइनर सा डिफरेंस है, हमें इस बात को समझना है कि मशीन, देखो कंपाइलेशन मान लेते हैं कि हमने कई किसी पेज में ढेर सारी लाइनें लिखी हुई हैं, कंपाइलर क्या करता है एक बार में पूरे के पूरे पेज को ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। मान लो कहीं पे अगर यहाँ पे एरर हुई तो भी पूरा का पूरा कोड नहीं चलेगा, पूरी की पूरी लाइन नहीं पढ़ी जाएगी, केवल यही बताएगा कि लैंग्वेज में कहीं पे गलती है, ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है कि इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन हमारे प्रोग्राम के लाइन बाई लाइन को एग्जीक्यूट करता है, मतलब एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा उसका आउटपुट देगा, अगली लाइन एग्जीक्यूट करेगा उसका आउटपुट देगा। तो कहने का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। अगर हमसे हमारे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, तो दोस्तों कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, बस डिफरेंस ये है कि कंपाइलर हमारा फास्ट है। फास्ट इस वजह से है क्योंकि इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा कोड एक बार में रन होता है, जबकि इंटरप्रेटर में क्या होता है, प्रोग्राम हमारा लाइन बाय लाइन होता है, इस वजह से यह टाइम टेकिंग है। लेकिन यहाँ पे एरर को डिटेक्ट करने का हमारे पास ज़्यादा चांसेस होते हैं, यहाँ पे कंपाइलर पे हमारे पास कम होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं कंप्यूटर की अशुद्धियों को या फिर कंप्यूटर की गलतियों को क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। थोड़ा सा इस बात को हमें ध्यान रखना है कि बग क्या होता है, कंप्यूटर एरर। बग को दूर करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीबग। डीबग वर्क को करने वाले को क्या बोलते हैं, डीबगर। थोड़े से छोटे छोटे टर्म हैं, हमें इसे लेके चलना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर जो हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव हमारा जो उमार वाला होता है, इसमें हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम सोचते हैं कि क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं होता, जब नहीं आता तो आसान नहीं होता। तो दोस्तों ये रही बात हमारी कंपाइलर इंटरप्रेटर, हमने सी लैंग्वेज की हिस्ट्री,
टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हमने देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखने वाले हैं व्हाट इज सोर्स लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट लैंग्वेज एंड व्हाट आइडेंटिफायर्स इन सी एंड लिंकर लोडर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तब तक के लिए गुड बाय।